बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, थोड़ी देर में उनका रोड शो होगा, जिनकी लाइव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देखेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा भी करेंगे। और हम सीधे रुक कर लेते हैं वाराणसी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, फिलहाल बताइए, हम देख रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, प्रधानमंत्री का रोड शो भी आरंभ होने वाला है, और क्या तैयारियां दिख रही हैं आपको? देखिए, वाराणसी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है और ये देखिए, लोग जो हैं जुटे हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और सबसे बड़ी बात देखिए, इसी काशी से वो नारा निकला था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन अब नारे बदल गए हैं, मैं हूँ मोदी परिवार। क्या है ये मोदी परिवार? क्या है ये मोदी परिवार? हम लोग मोदी जी के परिवार है। जो विपक्ष ने बोला कि नहीं, ये मोदी का कोई है नहीं, इसलिए हम लोग मोदी जी का परिवार। पंकज, आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री के रोड शो की, आप देख रहे हैं वाराणसी के सड़कों पर, दोनों तरफ देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भीड़ जमा हुई है, और प्रधानमंत्री के लिए कोई झंडा लेकर आया है, कोई हाथ हिलाकर उनका स्वागत वाराणसी में कर रहा है। देखिए, उनके एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवारी के बाद उनका ये पहला रोड शो, उनकी पहली बार मौजूदगी वाराणसी में, जहां पर जानकारी है कि वो काशी विश्वनाथ जाएंगे, पूजा अर्चना गर्भगृह में करेंगे, 9 बजे के आसपास का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें पंकज हम दिखा रहे हैं, और ये मौका बहुत खास है। प्रधानमंत्री वाराणसी से एक बार फिर से उम्मीदवार है, और उसके घोषित होने के बाद पहली बार है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। कैसा जोश है लोगों में? देखिए, मैं जहां हूं, यहां पर ये जो वाद्य यंत्र है ना, डमरू बजाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की अगुवानी के लिए। ये खास तैयारी काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर ये है, और यहां जो आपको बताऊं, बाबा की नगरी है विश्वनाथ बाबा की, और विश्वनाथ कॉरिडोर बनने का जो श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री को जाता है। लोग यहाँ जुटे हुए हैं मोदी परिवार का लेकर के, यहाँ पर ये मोदी परिवार की होली, हर घर मोदी, हर घर मोदी की बात है। ये क्या मोदी का परिवार? नारे बदल गए हर हर मोदी, घर घर मोदी से। अब मोदी का परिवार, लालू जी ने चैलेंज किया है हमारे मोदी जी को परिवारवाद को लेके, तो हम सभी क्या है, क्या तैयारी है, क्या तैयारी है? आज मोदी जी आ रहे हैं, उनकी स्वागत के लिए तैयारी है। मोदी जी के स्वागत की तैयारी के अलग अलग लोगों में भावना है, और ये देखिए नारे शुरू हो गए यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर बनारस में नारे लगते हैं सड़क के दोनों किनारों पर। देखिए इस तरीके से बिल्कुल जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूरी सड़क जो है वो खाली करा दी गई है, लोगों को बैरिकेडिंग के दोनों तरफ रहने को कहा गया है, और ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे, और पूरे इलाके को इस तरीके से बैरिकेडिंग के दोनों तरफ, और ये देखिए जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं यहाँ पर, लोग अपने अपने संसाधनों से, अपने अपने से पुष्प वर्षा जो कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं, तो लोगों ने उसी तरीके से तैयारी की। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार उम्मीदवारी करेंगे, और ये उम्मीदवारी का ऐलान जब तीसरी बार हुआ है, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, और देखिए कैसे भव्य तैयारियां नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि 28 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो है, जिसमें दोनों ओर प्रधानमंत्री जब गुजर रहे होंगे तो पुष्प वर्षा होगी। और पंकज, अभी आप दिखा भी रहे थे, लोग अपने पॉलिथीन्स में, अपने कैरी बैग्स में लेकर आए हुए हैं गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब के फूल, और क्या क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? जी हाँ, देखिए ना, ये गुलाब के फूल के पंखुड़ियां बैग में लेकर आए हैं, ये लिखा हुआ है ये देश, क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है ये देश नहीं, जग नहीं मिटने दूंगा। मतलब समझाइए जरा, ये गुलाब का फूल क्या है मामला? ये तो हमने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लिया हुआ है, जो नामांकन की लिस्ट आने के बाद आज वो आ रहे हैं काशी में पहली बार। यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले। और आप? हम भी यहीं के हैं। अच्छा, आप लोग क्या तैयारी कर क्या है? जी हम लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो नामांकन के बाद आज आ रहे हैं पहली बार काशी, आप लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए। देखिए लोग हैं, और सबके हाथ में, अगर आपको दिखाऊंगा, मोबाइल अभी से रेडी है कि जब आएंगे तो एक दूसरे के लिए सेल्फी और मोबाइल, ये अभी से मोबाइल लगा लिया आपने? अभी तो प्रधानमंत्री आए भी नहीं है, मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं? बस आ रहे हैं, सेल्फी की तैयारी अभी से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हो रही है, अभी से तैयारी हो रही है मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए। आपने सुना कि अभी से तैयारी है सेल्फी लेने के लिए, और ये देखिए जो हम कह रहे थे ना कि जो डमरू बज रहा है, और यही तो काशी की, वाराणसी की पहचान है, और इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने
नरेंद्र मोदी जब आज वाराणसी आ रहे हैं तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं, पहली बार आ रहे हैं, 28 किलोमीटर का रोड शो और उसी हिसाब से तैयारियां हैं सड़क के दोनों तरफ। जब वो बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं तो लोगों ने उनकी अगवानी के लिए ये खास तैयारी कर रखी है। पंकज, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए और ये जो देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें हैं जो पंकज के पीछे इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे साथ इन पर बात करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। राम कृपाल सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और जेपी शुक्ला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कृपाल जी, ये अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां वहां पर हैं, एक बार फिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, प्रधानमंत्री जितनी बार अपनी लोकसभा क्षेत्र गए हैं उनकी तस्वीरों को याद कीजिए और आज की तस्वीरों को याद कीजिए, ऐसा लग रहा है जोश कई गुना ज्यादा है, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं सर? निश्चित रूप से, देखिए प्रत्याशी बनने की घोषणा के बाद अब शायद पहली बार पहुंचे हैं तो एक उसमें अभी तो खैर जब वो नामांकन करेंगे चुनाव घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये है कि ऑफिशियली अब ये हो गया है कि वो बनारस से लड़ेंगे मोदी जी, फिर पार्टी ने उनको दिया है तो ये जो पूरे देश का माहौल है, देखिए काशी तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र है लेकिन पूरे देश में आप देख रही होगी जहाँ भी वो जा रहे हैं और अद्भुत उनमें जिसको क्षमता उनकी इतनी है कि आप देखिए अभी असम में थे, अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, इस एज में जो वो कर रहे हैं इससे है कि जनता का जो एक अटूट भरोसा है काशी, तो आज जो कुछ काशी में दिखेगा वो तो है ही है लेकिन पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है जिस तरह से है, ऐसा माहौल मैंने कभी भी किसी भी आम इलेक्शन के पहले इस तरह का माहौल नहीं देखा था, जहां बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जनता जो है वो कुछ डिसाइड कर चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी ही है। सर एक बार फिर से पंकज आके तरफ चल रहे थे, हमारे रोविंग एडिटर वहां पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप बताइए कि कितना किलोमीटर का जो सफर है प्रधानमंत्री के रोड शो ने पंकज पूरा किया है, क्योंकि 28 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है और जो रफ्तार नजर आ रही है ऐसा लग रहा है बहुत कम फासला ही तय हुआ है क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है रोड शो। जी हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है रोड शो की बाबतपुर एयरपोर्ट से, मैं तस्वीरें भी कर दूंगा कि दिखाते चले कि लोगों ने क्या तैयारी की है। बाबतपुर एयरपोर्ट से चलेंगे, उसके बाद कई सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं, पॉइंट्स का जब हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 28 ऐसी जगहें, मैदागिन है, संपूर्णानंद है, उसके बाद हरुआ है, अतुलानंद स्कूल है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ स्टेज बनाए गए हैं, लोगों ने अलग तरीके से तैयारी की है, अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहीं पर डमरू बज रहे हैं, कहीं शंखनाद हो रहा है, इस तरीके से लोग जो हैं और दोनों तरफ एक सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लोग फूल लेकर खड़े हैं, प्रधानमंत्री आएंगे उस पर पुष्प वर्षा करेंगे, लोगों ने अभी से अपने मोबाइल रेडी कर लिए हैं कि वो सेल्फी लेंगे। तो 28 किलोमीटर का रास्ता यहाँ मंदिर के में जो है विश्वनाथ मंदिर जब आएंगे तो समय बताया जा रहा है करीब 9 बजे। ये बताया गया है कि श्रृंगार आरती से पहले प्रधानमंत्री आएंगे और फिर बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन और पूजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए भजन और गीत भी जा रहे हैं, क्या क्या गीत बज रहे हैं। हाँ। गाई, 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 गाई।